अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ए पॉइंट मास, ए पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब ऐसा स्ट्रिंग, ऐसा धागा जो जिसमें लचक ना हो। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बाय ए फिक्स सपोर्ट उसको हम सिंपल पेंडुलम कहें। बाय फिक्स सपोर्ट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम क्या है? एक मास है जो सस्पेंडेड है बाय थ्रेड, धागे के ज़रिए, ऐसा धागा जो जिसमें लचक ना हो, क्योंकि फिर उससे जो है आप उसकी लेंथ फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो उसमें एग्जैक्ट लेंथ हमें चाहिए उस स्ट्रिंग की। उस मास के सस्पेंड होने से उस धागे की लंबाई में इजाफा हो सकता है, इसलिए हम ऐसा स्ट्रिंग, ऐसा धागा लेते हैं जिसमें लचक नहीं होनी चाहिए। बाय फिक्स सपोर्ट, एक सपोर्ट है जिसकी मदद से आपने एक पॉइंट मास सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है, इसको हम पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्फेरिकल मेटेलिक बॉब, गोला है, मेटल का बना हुआ स्फेरिकल गोल, और सस्पेंडेड है एक धागे से, तो इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या है हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन? कि ये एक हमारे पास स्फेरिकल मेटेलिक बॉब है जो सस्पेंडेड है एक फिक्स सपोर्ट से, एक धागे जो जिसमें जो इनएक्सटेंसिबल है। इसका जो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, एट दिस पोजीशन, जिस पोजीशन पर ये पेंडुलम मौजूद है, इसको हम मेन पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन पर हम इसकी अब वर्किंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जो है इस पोजीशन को हम सेंट्रल पोजीशन या इसको मीन पोजीशन कहते हैं। इस पॉइंट पर हमारे पास जो इसकी वर्किंग है, इस पॉइंट पर सेंट्रल पोजीशन पर इसकी टेंशन और इसका वेट, इस पेंडुलम का, वो इक्वल है। इस सेंट्रल पोजीशन पर इस पेंडुलम का की टेंशन और वेट जो है वो इज़ इक्वल है। लेकिन जब हम इस पेंडुलम को इस किसी एंगल के साथ डिस्प्लेस करते हैं, सम एंगल थीटा, और इसको इस पोजीशन पर ले आते हैं, इस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह ये पेंडुलम जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है एक्स, और ये उसकी लेंथ है एल स्ट्रिंग धागे की। और जब हम इस पेंडुलम को रिलीज़ करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं जब मीन पोजीशन से और एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाते हैं और रिलीज़ करते हैं, तो ये पेंडुलम जो है आसिलेट करता है बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस, और ये यहाँ पर आ जाता है। ड्यू टू इनर्शिया ये जो है वो आसिलेट करता है जब तक उसकी इनर्जी डेसिपेट नहीं हो जाती। तो इस तरह यहाँ पर भी एक्स, जितना एंगल यहाँ बनता है उतना ही एंगल उसके बैक साइड पर बनता है, टू एंड फ्रो मूव करता है सिंपल पेंडुलम। तो हमने ये कहा कि जब मेन पोजीशन पर पेंडुलम मौजूद है उस वक्त उसकी टेंशन और वेट जो है वो इज़ इक्वल हैं जब रेस्ट पोजीशन पर है। लेकिन जब हमने पेंडुलम को डिस्प्लेस किया और एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गए, तो यहाँ पर यह हुआ कि इसका जो वेट है और वो रिज़ॉल्व हो गया।
एक्सट्रीम पोजीशन पर भी दो ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक टेंशन और एक वेट। टेंशन क्या करता है, उसको बैलेंस रखता है, और जबकि ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पर गया तो इसका जो वेट था वो रिजॉल्व हो गया दो पार्ट्स में, एक को हम कहते हैं W cos थीटा और दूसरे को कहते हैं W sin थीटा। इसमें रेजोल्यूशन हो गई, वेट जो है वो रिजॉल्व हो गया W cos थीटा में और W sin थीटा में। अब W cos थीटा जो वेट रिजॉल्व हुआ है वो क्या करता है, बैलेंस करता है, मीन वो टेंशन के इक्वल होता है, T इज़ इक्वल टू W cos थीटा, बैलेंस करता है पेंडुलम को। T माइनस W cos थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आप लिख सकते हैं। तो जो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेट रिजॉल्व हुआ, जिस तरह हम एक टांग पर ठहरते हैं तो हमारा जो वेट होता है वो रिजॉल्व हो जाता है, हम ज़्यादा टाइम उस पर नहीं रुक सकते। तो इस तरह W cos थीटा जो है वो पेंडुलम को बैलेंस रखता है, और जो W sin थीटा है वो रिस्पांसिबल होता है कि वो उसको पेंडुलम को आसिलेट कराए एक्सट्रीम पोजीशन से, उसको वो दोबारा मीन पोजीशन पर ले आता है। ड्यू टू इनर्शिया वो पेंडुलम मीन पोजीशन पर स्टॉप नहीं होता और इस तरह नेक्स्ट जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाता है। फिर जब यहाँ पर आता है फिर उसका वेट रिजॉल्व हो जाता है दो कंपोनेंट्स में, W cos थीटा और W sin थीटा में, और इस तरह W ये प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। तो हमारे पास जो W sin थीटा है वो फोर्स प्रोड्यूस करता है कि वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर जाए और आसिलेट करता रहे। तो इस तरह हम ये कहते हैं F इज़ इक्वल टू माइनस W sin थीटा। माइनस हम इसलिए कहते हैं कि वो उसको रिस्टोर करता है, इसलिए ये रिस्टोरिंग फोर्स में आता है, उसको वापस ले आता है मीन पोजीशन की तरफ, उसको डायरेक्ट करता है, इसलिए हम इसको नेगेटिव लेते हैं। तो F इज इक्वल टू माइनस W, W वेट है, W इज इक्वल टू mg, तो ये आ जाएगा mg sin थीटा, और इस तरह ये इक्वेशन वन आ जाएगी। इसी तरह अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो एम ए इज़ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, और एम कैंसल, तो ए इज़ इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पर जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू हम इस ट्राई एंगल को यूज़ करते हुए साइन थीटा को फाइंड करेंगे। साइन थीटा अगर आप को देखें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो साइन थीटा जो होता है वो हम लेते हैं सम पीपल हैव साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस है, जो थीटा की अपोजिट साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो साइन थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा, परपेंडिकुलर में हमारे पास है एक्स, और जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारे पास 90 के अपोजिट जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, तो वो आ जाएगी हमारे पास L। तो इस तरह साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास x डिवाइडेड बाय L है, तो A इज इक्वल टू माइनस जी मल्टीप्लाइड साइन थीटा को आप लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय L, तो A इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ फिर हम इस फैक्टर को जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम में कांस्टेंट लिया था, तो यहाँ पर भी हम इसको कांस्टेंट लेते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस ओमेगा स्क्वायर को हमने कांस्टेंट लिया है, और यहाँ पर आपने इसको जी बाय एल के इक्वल कांस्टेंट लिया है। फिर हम ये करेंगे कि इसको पुट करेंगे यहाँ पर, ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट जी और एल है, जी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन अर्थ पर जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और लेंथ भी चेंज नहीं हो रही, मीन पोजीशन पर भी उसकी लेंथ वही है, एक्सट्रीम पोजीशन पर भी पेंडुलम की जो लेंथ है, जो धागे की लेंथ है,
पेंडुलम तो हम उस पूरे सिस्टम को कह रहे हैं, तो उसकी लेंथ जो है वो एक जैसी है, इसलिए हम इस पूरे फैक्टर को कांस्टेंट ले रहे हैं। इस कांस्टेंट को ख़त्म करके हम प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, तो इस तरह ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाता है। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन को, एस एच एम को। तो इस चीज़ में आपको ये बात साबित हो गई कि जो मोशन ऑफ पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक है, मीन टू एंड फ्रो है, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये सिंपल पेंडुलम उसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स और सारी कंडीशंस को मुकम्मल करता है, इसलिए हम कहते हैं कि इस पेंडुलम का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करता है। नेगेटिव साइन इसी बात को शो कर रहा है, और एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करते जाएंगे एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो इससे हमारे पास ये साबित हो गई कि मोशन ऑफ पेंडुलम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हमने ये बात कर दी सिंपल पेंडुलम क्या है, मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूँ, फिर उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो सिंपल पेंडुलम में क्या है हमारे पास? सिंपल पेंडुलम एक मास है, पॉइंट मास है, सस्पेंडेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट उसको मिली हुई है, इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास एक सुफेरिकल मेटल बॉब होता है, जिस ठीक है, जो एक धागे के साथ लटका हुआ होता है। और इसकी वर्किंग ये होती है कि जब हम इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं किसी एंगल से और किसी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाते हैं और रिलीज़ करते हैं, तो ये पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। इसमें जो एक्सट्रीम पोजीशन पर उस बॉडी, उस पेंडुलम का जो वेट होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। रिजॉल्व का मतलब है तकसीम हो जाता है दो कंपोनेंट्स में, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक डब्ल्यू कॉस थीटा और डब्ल्यू साइन थीटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने पढ़े हुए हैं, उसमें एक कॉस थीटा होता है एक साइन थीटा होता है। तो डब्ल्यू कॉस थीटा पेंडुलम को बैलेंस रखता है, जबकि डब्ल्यू साइन थीटा उस पेंडुलम को ऑसिलेट करता है एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन और फिर एक्सट्रीम पोजीशन, इस तरह ऑसिलेट कराता रहता है। तो फिर हमने उसकी मैथमेटिकली उसको लिखा, एफ इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू साइन थीटा एम जी साइन थीटा, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, फिर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया और इस तरह आपके पास ये रिलेशन निकल आए। अब हम इसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ मैं आपको। पहली करेक्टरिस्टिक इसकी जो है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो हम फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो फाइंड किया जाता है टी इज़ इक्वल टू टू पाई ओवर ओमेगा। टी इज़ इक्वल टू टू पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को आपने लिखा है जी बाई एल, तो ओमेगा जो है वो जी बाई एल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो टी इज़ इक्वल टू टू पाई, और यहाँ ओमेगा की जगह पर अगर आप लिख लें जी डिवाइडेड बाय एल और इसका स्क्वायर रूट, तो टी इज़ इक्वल टू टू पाई, ये थर्ड मल्टीपल है, देखें इसके नीचे फिर रेशो आई हुई है, तो ये बगैर साइन चेंज हुए ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा एल बाय जी। तो इस तरह टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से, अगर आपके पास लेंथ भी मालूम हो और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो आपके पास अर्थ पर मौजूद है, तो वो इस से आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी बात इसकी जो है फ्रीक्वेंसी है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो जिस तरह टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 2 पाई एल बाई जी और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो 1 ओवर 2 पाई ये बन जाएगा जी बाई एल का स्क्वायर रूट। तो फ्रीक्वेंसी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी रेसिप्रोकल होगी, उलट होगी, ये एल बाई जी है तो ये जी बाई एल होगा। तो इस तरह आपके पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, जिस तरह टाइम पीरियड अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी में देखें ये 2 पाई ओवर ओमेगा है, तो फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा ओवर 2 पाई होगी, तो इस तरह उलट हो जाती है। तो हम डायरेक्ट इसमें भी पुट कर सकते हैं,
तो लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन पर जो है ये डिपेंड करता है। इसी पेंडुलम को अगर आप लेकर मून पर चले जाएं तो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन जो है वहाँ पर डिफरेंट होगा, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर लेंथ आप यही रखते हैं तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वहाँ पर इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन उसको एक राउंड को कंप्लीट होने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा बनिस्बत अर्थ के। तो इसी तरह जो है मास पर डिपेंड नहीं करता। अगर इस बॉल को, इस स्फेरिकल मेटेलिक बॉल को अगर हम इस साइज़ से एक बड़ी साइज़ भी लगा लें तो भी इस टाइम पीरियड जो है पेंडुलम के टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक राउंड पहले जितने टाइम में कंप्लीट कर रहा था अभी भी उतने ही टाइम पर कंप्लीट करेगा, क्योंकि आप इसके फार्मूले में देख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है मेटल बॉल, जो स्फेरिकल मेटेलिक बॉल है, उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। तो ये जो है आपके पास सिंपल पेंडुलम ख़त्म हो जाता है।